डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू यंग्लिश टूडे आई विल डिस्कस अबाउट यूर लास्ट चैप्टर इन यूर बुक मैरी गोल्ड ओके एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ग्रास ऑपर एंड द आंट ग्रास ऑपर एक कीड़ा होता है और आंट मतलब चीटी ओके okay? ये एक ग्रास ऑपर और एक आंट की स्टोरी है ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे कीड़ा दिख रहा है इसे ग्रास ऑपर बोलते हैं और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये आंट है ओके अ लेजी ग्रास थोपर एक जगह एक बहुत ही सुस्त ग्रास ऑपर रहता था ही डिड नॉट लाइक टू वर्क और उसे काम करना पसंद नहीं था ऑल डे लॉन्ग ही सेंग and एंड प्लेड इन warm सनसाइन वो दिन भर या तो गाना गाता था या फिर धूप में खेलता रहता था ही ही लुक एट मी आई एम एज हैप्पी एज कैन बी द ग्रास ऑपर लाफ एट द हार्ड वर्किंग आंस एज देव वर्क डे एंड नाइट और वो जो ग्रास ऑपर था वो ही ही करके हंसता था उन चीटियों पर जो दिन रात मेहनत करती थी चाहे दिन हो चाहे रात हो हार्डवर्किंग मतलब होता है मेहनत करना ओके वी आर स्टोरिंग ग्रैंड फॉर द लॉन्ग विंटर आ और वो चीटिया उसको बोलती है कि हम जो ये आने वाली सर्दी है, उसके लिए अभी से खाना इकट्ठा कर रहे हैं दे रिप्लाइड द लेजी ग्रास ऑपर ऑनली लॉफ्ट लाउडर और जो ग्रास ऑपर था वो उन्हें देख के सिर्फ ज़ोर जोर से हँसता है समर एंड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड और गर्मी जा चुकी थी और जो ठंडी सर्दी थी वो आ चुकी थी द वंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्ट इट स्नोइंग और जो तेज़ तेज, -तेज हवाएं थी वो चलना शुरू हो गई थी द ग्रास ओपर नाव बिगेन टू वरी अब जो ग्रास ओपर था उसको चिंता होने लग गई थी वरी मीन्स चिंता देयर इज नो फूड टू ईट क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था नो ग्रास नो फ्लावर्स और लीवस ना उसके पास कोई घास थी ना कोई फ्लावर्स थे और ना ही कोई पत्तियाँ थी आई कॉन्ट सी इवेन द टाइनेस्ट फ्लाई और वॉम और उसे ना ही कोई मक्खी दिख रही थी और ना ही कोई कीड़ा दिख रहा था फ्लाई मतलब होता है मक्खी और वाम मतलब होता है कीड़ा और टाइनेस्ट मीन्स बहुत ही छोटा वट विल आई डू अब मैं क्या करूँगा आई विल शो ली स्ट्रैव ही क्राइड लेट मी मीट माई काइंड नेबर द आंट और फिर वो रोने लगता है और फिर उसे ध्यान आता है कि अब मुझे अपने जो पड़ोसी हैं नेबर मीन्स होता है पड़ोसी ठीक है जो उसके पड़ोसी हैं आंट उनसे मिलना चाहिए द ग्रास रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रैंड फॉर द विंटर और फिर उसको याद आता है रिमेंबर्ड मीन्स याद ठीक है उसको याद आता है कि कैसे उन चीटियों ने अपने लिए सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा किया था ही नॉकड एट हर डोर और वो जाता है और उन चीटियों का दरवाज़ा खटखटाता है नॉकड मीन्स खटखटाना डियर आंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड और जो वो होता है क्रास ऑफर वो बोलता है कि डियर आंट मैं बहुत ही भूखा हूँ और बहुत ही ठंड हो रही है आई हैव नथिंग टू ईट मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है प्लीज़ कैन यू गिव मी समूड क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो द आंट शुक इन एंगर और जो आंट होती हैं चीटी होती हैं उसे देख कर गुस्सा होती है लेजी वन वट वेयर यू डूइंग ऑल समर और उसको कहती हैं कि तुम कहाँ थे पूरी गर्मियों में यू वेर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग तुम दिन भर या तो गाना गाते थे या डांस करते थे यू शुड हैव थाट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अ क्या तुम्हें जो सर्दी आने वाली थी उसके बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया गो अवे सी स्लैम हर डोर शर्ट और वो उसको कहती है कि यहाँ से चले जाओ और दरवाज़ा ज़ोरों से बंद करती है द लेजे ग्रास ऑफ़र वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर और वो जो ग्रास ऑफर था वहाँ से चला जाता है वैसे ही भूखा जैसे वो पहले आया था सो so, इस स्टोरी का क्या मोरल था क्या सीखा आपने इससे क्या सीखा कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ओके चीटियाँ कितनी मेहनती थी ना तो देखो उन्होंने कितने अच्छे से अपनी पूरी सर्दियाँ निकाली उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाद में और जो ग्रास ऑफर था वो सुस्त था दिन भर बस उसका गाना गाता था खेलता रहता था इसीलिए जब सर्दियाँ आई तो उसे क्या हुआ भूखा रहना पड़ा है ना बर्ड्स तो सीखे हैं सबसे फर्स्ट है इसमें हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग मीन्स होता है मेहनती नेक्स्ट है इसमें अराइव्ड अराइव्ड मतलब होता है आना या पहुंचना नेक्स्ट है इसमें स्टेव स्टेव मीन होता है बहुत ही भूख लगना नेक्स्ट है इसमें स्लैम्प स्लैम्प्ड मतलब होता है बहुत ही जोरों से किसी चीज को पटकना ओके सो ये थे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स आप लोग न्यू वर्ड्स भी रीड करिए एंड स्टोरी भी अच्छे से रीड करिए ओके थैंक यू हैव अ ग्रेट डे